नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, दुबई में आपको पता है अभी तो चलो वीज़ा भी बंद चल रहे हैं, फ्लाइटें भी बंद चल रही हैं। मार्च के लगभग अगर 2021 की बात करें, जनवरी फरवरी मार्च, तो फ्लाइटें चालू थी, आप सबको पता ही है। लेकिन अभी क्या स्थिति है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि लोग विजिट में चले जाते हैं, या तो वो देखिए ये कहीं ना कहीं ज़्यादा गड़बड़ कहाँ होता है कि इंडियन एजेंट के थ्रू लोग जाते हैं, तो उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जान पहचान के एजेंट के द्वारा जाने में। लेकिन कई लोग क्या आजकल ज़्यादा शाणे बन रहे हैं, वो डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि दुबई के एजेंट से टकरा जाएं। तो वो सोशल मीडिया, खासतौर से फेसबुक प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि सबसे सस्ते में बता दूं, रोज़ के 200-300 रुपए में ऐड लग जाता है आराम से, और वो हज़ारों लोगों के पास पहुंच जाता है। और उसमें इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसी दी गई है कि एक आम आदमी के पास अच्छी मैन पावर ऑफिस में जाओगे तो सैलरी मिलेगी 1000, तो वहाँ पे वो 2000 सैलरी देते हैं, पैसा इतना कम बताते हैं कि बंदा खुश हो जाता है। अरे वाह यार, कहाँ अपने पड़ोसी तो इतना ले रहा है इतनी तनख्वाह में, और ये देखो डबल दे रहा है इतने पैसे में। तो इस चक्कर में वो डायरेक्ट फिर वीज़ा और टिकट लेके पहुँच जाते हैं दुबई, और या फिर वो एजेंटों से ले लेते हैं। वहाँ जाने के बाद में उनसे पासपोर्ट ले लिया जाता है या फिर पैसों की और मांग की जाती है, तो वहाँ बंदे के फिर हाथ बन जाते हैं, वो मजबूर हो जाता है। और आपने देखा होगा खास तौर से जाते ही एयरपोर्ट पे टैक्सी में बैठते ही या मकान के ऊपर पहुँचते ही, रूम जिनको बोल सकते हैं, बंदे जो आपके जो दलाल होते हैं वो पासपोर्ट कब्जे में करते हैं, और यहीं से बंदे के हाथ बंधने शुरू हो जाते हैं। पासपोर्ट दे दिया तो अपने हाथ कटवा लिए, विदेश की धरती की अगर बात करें तो। वे में मैंने आपको लगभग 1.5 महीने पहले एक वीडियो डाला था कि भाई 8 लोगों को रोड पे पड़े हैं, वो फंस गए, एजेंट पासपोर्ट लेके भाग गया। जी हाँ, वो लोग अभी आज की डेट बता दूं 2 दिन पहले इंडिया पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मार्च में ये लोग एजेंटों के द्वारा वहाँ फंसे थे, भूखे प्यासे। पुलिस जो इंडियन एक बंदा था समाज सेवी, आई एम इंडिया फॉरम सामाजिक जो कार्यकर्ता थे सिराली शेख, उन्होंने उनको रोड पे देखा तो वो अपने पास उनको लेके गए, उनकी व्यवस्था की खाने पाने की, 2 महीने तक उनको रहना और खाना दिया गया। जी हाँ, पुलिस को सपोर्ट भी इसमें लिया गया, इंडियन एम्बेसी का भी इसमें सपोर्ट रहा। फिर इंडियन एम्बेसी ने भाई अब दिक्कत उनको 2 महीने इसलिए लग गए कि उनके आउटपास की दिक्कत थी, क्योंकि एजेंट ने पासपोर्ट लेके भाग गए, कुछ कोशिश की, टाइम लग गया, पासपोर्ट नहीं मिला, तो फिर इंडियन एम्बेसी ने उनके आउटपास की व्यवस्था की और टिकट की व्यवस्था की, अपने खर्चे पर उन 8 लोगों को अभी 2 दिन पहले इंडिया भेजा है, और उसमें रहना खाना सब कुछ जो आईएम इंडिया फोरम सामाजिक कार्यकर्ता है शेराली शेख मुजफ्फर, उन्होंने पूरी व्यवस्था करके इनको इंडिया भिजवाने का काम किया। जी हाँ, दिल्ली पहुँच चुके हैं वो अपने घर की तरफ, शायद घर पर अभी पहुँच भी गए होंगे। लेकिन इंडियन एम्बेसी दुबई ने भी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट की है भाई, फर्जी जॉब अलर्ट से आपको अलर्ट रहना चाहिए, फर्जी लोगों के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। एम्बेसी ने अपना एक प्ले स्टोर पे ऐप भी डाउनलोड किया था, अगर आपने वो ऐप मेरा वीडियो नहीं देखा है तो भाई देख लेना, ऐप में शायद मुझे मिलेगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। ये एक दुबई का ऐप है इंडियन एम्बेसी का, वो आपको गाइड करते हैं, उस पर आपका ऑफर लेटर फर्जी वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो आप वहाँ पे अगर दुबई में रहते हुए तो आप चेक करवा सकते हैं, ईमेल आईडी भी उनकी दी गई है। कहने का मतलब ये कि उनकी कोशिश होती है भाई फर्जी एजेंटों से बचें, सावधान रहिए, उनको पैसा न दें, वरना जो इन 8 लोगों की दुर्गति या परेशानी हुई है वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। डायरेक्ट आप फेसबुक के द्वारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है, तो इन चीज़ों से बचें, सावधान रहिए। अभी उम्मीद है कि आप को ये जानकारी समझ में आ गई होगी, वीज़ा पर फ्लाइटें वगैरह अभी दुबई का कुछ है नहीं, जैसे होगा नई अपडेट डालेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।